राजस्थान के, पूरे राजस्थान के। पता चले कि युवा आप सुधार
और ये निवेदन है कि आपके बच्चे भी नौकरी के लिए लाइन में लगे हुए हैं, और ये कांग्रेस सरकार जो ये बहुरूपिया सरकार है जिन्होंने हमारे साथ छल किया है, इसलिए मेरे तमाम मेरे बुजुर्गो मेरे भाई और बहनों, इस कांग्रेस सरकार में चारों विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव हो रहे हैं उनमें उनका सुप्रभात प्राप्त होता है, इसलिए आपके सुधाकर चेहरे ने आज आगाज किया है, आपसे विनती है, आपसे निवेदन है, इस कांग्रेस सरकार को हराना है। नौकरी नहीं तो नौकरी नहीं तो हमारी मांगे पूरी करो, तब से युवा बोल रहा है।
नहीं चलेगी, दादाशाही नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, जब जब युवा बोला है सिंहासन डोला है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कांग्रेस प्रत्याशी को हराना है, कांग्रेस प्रत्याशी को नौकरी नहीं तो वोट नहीं। हमारी मांगे पूरी करो। मेरे सुजानगढ़ वासियों, आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का रिश्तेदार आज रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। भर्तियां निकाली जाती है लेकिन भर्तियां अटका दी जाती है। ऐसे में हमने अभियान चलाया, खुली चुनौती दी है नेताओं को कि नौकरी नहीं तो वोट नहीं, और चारों जगह कांग्रेस प्रत्याशी का सूबा साफ करेंगे। और यदि मांगे मानी तो हम घर चले जाएंगे, अन्यथा पैर पकड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे और आपसे निवेदन कर रहे कि हम आप ही के बच्चे हैं। अरे कोई चयनित है, कोई एग्जाम का इंतजार कर रहा है, कोई 2013 से लटका हुआ है बेरोजगार, आप ही के बेटे भाई एक बार। तो हम सब आप लोगों से अपील करने आए, सुजानगढ़ वासियों से अपील करने आए कि युवाओं का भविष्य बचाना है तो नेताओं को सबक जरूर सिखाना है। रोजगार दीजिए, वादे नहीं, लॉलीपॉप नहीं भाई। 50,000 की घोषणा कर दी भाई, घोषणा कर दी आपने 75,000 की भी की थी क्या? 75,000 दे दी क्या? 50,000 दे दोगे क्या? वैसे लोगो ये कितनी जाने के लिए भाई, 13 से लटकी पड़ी है भर्तियाँ। नई भर्तियां निकालने की मांग करे भाई, ग्राम सेवक निकालिए, पीटीआई निकालिए, बस के निकालिए। अरे हाँ, अंकल का समर्थन मिल गया, बल्ले वाले दीदी साथ है ना, बोलो हमारे साथ है, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे सुनो। अब आने वाले हैं चुनाव,
चलो उल्टे मुड़ कर बैठ जाओगे अब चलो ज़्यादा
आप परिवार वाले आप भी सुनिए, युवाओं का भविष्य को बचाना है और कांग्रेस प्रत्याशी नेताओं को हराना है। नौकरी नहीं तो सर मनु भाई लोग मैं पैदल चलूँ ना Yeah.
नहीं तो अरे भाई नौकरी नहीं तो अरे भाई नौकरी नहीं तो नहीं। प्रत्याशी को और ये अभियान यही यही नहीं चारों विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है चारों विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है अरे भाई नौकरी नहीं तो नहीं। अरे भाई नौकरी नहीं तो नहीं। अरे भाई नौकरी नहीं तो कांग्रेस प्रत्याशी को भैया भी सुनिए भाई जी सुनिए अंकल सुनिए हराना है युवाओं का भविष्य बचाना है इन्होंने हमें धोखा दिया है लेकिन विधानसभा उपचुनाव में इसको भगाना है कोर्टों में हराना है Thank you.